पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि हमने परमाणु क्रमांक 19 से लेकर के परमाणु क्रमांक 24 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए थे। आज हम उसी श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे परमाणु क्रमांक 25 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अच्छा जी, पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा कि जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे कि जो लास्ट वाला था क्रोमियम, वो एक अपवाद के रूप में हमें नजर आया था। अभी हम जब 30 तक जाएंगे ना, तो एक और अपवाद हमारे सामने आ जाएगा कॉपर के रूप में। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखते थे कि सर यहाँ पे हमने कितने भर दिए, 3D5 भर दिए, ठीक है जी। अब जो अगला वाला रहेगा, यानी कि जो 24 नंबर का रहेगा, अब वहां पे किस में भरा जाए, इसमें भरा जाए या फिर इसमें भरा जाए, ठीक है जी, इसमें भरा जाए या फिर इस वाले में भरा जाए। तो आप यदि उसको यहाँ पे भरते हैं तो वापस वही बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप पहले इसको भर दीजिए, कौन से वाले को, 4s वाले को आप पहले भर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो 4s वाला रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण पूरित हो जाएगा, और जो ये वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्धपूरित हो जाएगा, यानी कि कहानी मेरी वहां पे जम करके बैठ जाएगी, ठीक है। दोनों क्या होंगे, स्थायी अवस्था में रहेंगे, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, मैग्नीज की, तो भाई यहाँ पे देखना 1s 2s 2p 3s 3p तक तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जब कहानी आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इस वाली जगह पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक तो पहले था, ठीक है, अब कितना कर देंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर देंगे। अच्छा जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो लिख लीजिए, क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लास्ट में चेंज करना है आपको, पहले वाली कहानी अभी तक जो लिखी थी वही लिखनी है, आगे चेंज कर देना है 4s2 कर देना, और यहाँ पे 3d कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 3d तो मेरा 5 ही रहने वाला है, ठीक है जी। तो 3d में तो आपको वहाँ पे 5 ही करना पड़ेगा, तो आप भर दीजिए इसको भी 1 1 1 1 और ये 1। तो आप देख लीजिए क्या ये स्टेबल है क्या, तो आप देखेंगे सर 3d वाला बिल्कुल हाँ अर्धपूरित है, स्टेबल है। अच्छा, 4s वाला पूरा का पूरा पैर है, आराम से स्टेबल है। यदि यहाँ पे ये आंशिक रूप से भरे हुए रहते तो ये यहाँ पे अनस्टेबल हो जाते, अस्थायी हो जाते। अच्छा जी, आइए भाई अगली हम बात करते हैं यहाँ पे। चलो जी, अब यहाँ पे बात की जाइए फेदर्स की, तो देखना भाई ये तो सेम ही रहने वाला है। अच्छा, यानी कि 4s2 तो वैसा का वैसा रहेगा। अब मैं किस में भरूंगा, यहाँ पे 3d क्या भरने वाला हूँ, यहाँ पे 6 भरने वाला हूँ, ठीक है जी। अब जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे 3d6, तो क्या होगा देखना, ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में चेंज कर देना है यहाँ पे, है ना। तो सर ये तो वैसा का वैसा भरो, ठीक है। अब सर ये ऐसे भरा हुआ था, ये इस तरह से भरा हुआ था, अब यहाँ पे विपरीत चक्रण वाला यहाँ पे एक डाल दो, ठीक है, तो कहानी मेरी बन जाएगी। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं, आ जाओ भाई अगली बात की जाए कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4s2 तक तो सेम रखो, अब कितना कर दो यहाँ पे 3d7 कर दो। अच्छा सर डी में कितने भरने हैं, डी में कितने कक्षक हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर 5 कक्षक हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल 10 हो जाएंगे। यानी कि जब तक 10 नहीं हो जाते तब तक ये क्या करेगा, अपना कक्षक चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई 3d7 हो गए, तो सर ये तो पूरे के पूरे भरने ही हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसको यदि देखा जाए तो ये पूरा का पूरा भर दो, ये ऑलरेडी भरा हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, बस यहाँ पे क्या लेना है आपको, विपरीत चक्रण वाला लेना है, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, युग्मित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा जी, आगे कहानी को बढ़ाते हैं, अगली बात आती है किसकी यहाँ पे भाई, मेरे निकल की, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3d8 हो जाएगा। अच्छा, 3d8 हो गया, तो इसका मतलब अब सर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, ये वैसा का वैसा रहने वाला है। अच्छा, अब आप कहाँ पे भरेंगे, तो आप बोल देंगे सर आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, लेकिन जो डालने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो क्या होना चाहिए, विपरीत चक्रण वाला होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, आ गया हो भाई यहाँ पे देखना। अच्छा, कॉपर की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे जाकर के मेरा दूसरा अपवाद आ गया, ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी का दूसरा अपवाद यहीं पर जाकर के आएगा। अच्छा, अब तक तो आप क्या लिख रहे थे यहाँ पे, 4s2, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3d8 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3d9 यदि आप करने का ट्राई करते हैं तो कैसे होगा, ध्यान देखना भाई, यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो 3d9 कैसे होगा, तो सर ये तो वैसा का वैसा रहने वाला है, ये तो वैसा का वैसा रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, इसको सही कर लो एक बार से। अच्छा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही आता है ना, तो आप देखेंगे कि सर ये पूरा भरा हुआ है,
लेकिन ये वाला जो है ना वो क्या है, यहाँ पे आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी कि अब यहाँ पे बात थोड़ी जम नहीं पाएगी। अच्छा क्यों? क्योंकि सर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहाँ पे डाल दूं, क्या बोला मैंने, यदि मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा करके यदि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो क्या होगा, एक बार करके देख लेते हैं, देखें ये वाली कहानी बैठ जाएगी क्या। तो आप बोलेंगे सर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डाल दिया, इस वाली जगह पे डाल दिया। जैसे ही मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां पे डाला तो आप देख सकते हैं सर जो 3D है ना वो पूरा भर चुका है, ठीक है, और जो 4S है ना वो क्या है यहाँ पे अर्धपूरित है, यानी कि 3D तो क्या हो गया पूर्ण पूरित हो गया, और जो यहाँ पे 4S था वो क्या हो गया अर्धपूरित हो गया, यानी कि दोनों के दोनों स्टेबल है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं चेंज करके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, अब आप यहाँ पे कितना लिख दीजिए, आप यहाँ पे लिख देंगे कितना 4s, अच्छा 4s के पास में कितना जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1, अच्छा इसके पास में कितना गया, 3d10 यहाँ पे हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? पक्की बात है, यदि 9 करते ठीक है तो फिर कहानी मेरी बैठ नहीं पाती। अच्छा जी अगली हम बात करें यहाँ पे तो किसकी, जिंक की। अच्छा जिंक में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अब जिंक में एक काम करो, 3d10 तो पूरा भरा हुआ है इसी, और एक काम करो यहाँ पे जो s वाला है ना वहां पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब यहाँ पे कहानी ये हो जाएगी कि सर ये लो भाई, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, यानी सब भर गया आराम से, अब कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यानी कि दो अपवाद यहाँ पे मैं देखने को मिल गए हैं, किस हिसाब से, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित के स्थायित्व में, एक तो क्रोमियम 24 नंबर का और एक यहाँ पे कौन सा आता है मेरा कॉपर, यानी कि 29 नंबर का। ये दो जो अपवाद हैं यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी, यानी कि मोस्टली इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो भी विद्यार्थी होते हैं वो गड़बड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व लेके बैठे हुए रहते हैं, ठीक है जी। तो आज हमने यहाँ पे क्या किया है, परमाणु क्रमांक 30 तक जितने भी थे पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।